निशाना दमदार, मेरा तो खून खोल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। वार धारदार, जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं। तारीफ असरदार, जंग जोरदार। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। यूपी की लड़ाई तेज होती जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लखनऊ में सदस्यता अभियान की शुरुआत की, विरोधियों पर जमकर वार किए। अमित शाह ने एक बार फिर से 300 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया है। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत यहां पर जुड़ रही है, हमारे साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, धर्मवीर चौधरी बीएसपी के प्रवक्ता के तौर पर आज स्टूडियो में यहां पर आए हैं। लेकिन पहले की हम चर्चा की शुरुआत करें, जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जमकर घेरा है विपक्षियों को, वहां पर गृहमंत्री अमित शाह ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी तरफ से सरकार को घेर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सिद्ध किया है कि सरकारें जो बनती है वो परिवार के लिए नहीं होती है। सरकारें सूबे के सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए। उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ की, यह उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की कर्मभूमि, जन्मभूमि। मुगलों का शासन गया तब से जब तक 2017 में भाजपा की सरकार बनी, ये एहसास नहीं हुआ कि बाबा विश्वनाथ भगवान श्री कृष्ण और अयोध्या में रामलला की भूमि है। दो हजार चौबीस में देश में मोदी चाहिए तो 2022 में योगी को चुनिए, इस आह्वान के साथ गृहमंत्री अमित शाह ने यूपी में चुनावी बिगुल बजा दिया। भारत माता की, भारत माता की। लखनऊ पहुंचे गृहमंत्री ने सदस्यता अभियान की शुरुआत के साथ ही अब की बार 300 पार का संकल्प भी लिया। मुझे विश्वास है 2022 में फिर से हम 300 पार करने वाले हैं और योगी जी के नेतृत्व में नल से जल की योजना भी यहां समाप्त हो रही। मिशन यूपी पर निकले गृहमंत्री ने चुन चुन कर मुद्दे उठाए और निशाना साध साध कर हमला बोला। चुनावी मौसम में बीजेपी के चुनावी प्लान का रोड मैप साफ दिखा। हिंदुत्व की चाणक्य की नीति चुनावी बिसात पर बिछ चुकी थी। कैराना और राम मंदिर पर विपक्ष को अमित शाह ने बार बार घेरा, कहा कैराना में हिंदुओं के पलायन पर मेरा खून खौला, पलायन कराने वालों का राज्य से पलायन कराने का वक्त आ गया है। मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहाँ लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की, पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका। राम मंदिर पर भी अखिलेश यादव पर सीधा वार करते हुए अमित शाह ने कहा, हमने तो वही मंदिर बनाया, वादा पूरा किया। अखिलेश ने तो मंदिर के लिए चंदे का पैसा तक नहीं दिया। हजारों लोग बैठे हैं, मुझे बताओ किसी को कल्पना थी कि आपके जीते जी अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन होगा? ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है, आप तो 5,000 रुपया देने से भी चुक गए। यूपी में दूरबीन से भी बाहुबली अब ढूंढने नहीं मिलते, ये कहकर गृहमंत्री अमित शाह ने वहीं मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की पीठ भी थपथपाई। दावा किया कि आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं सड़क पर गहना लादकर भी निकल जाएं तो उन्हें कोई खतरा नहीं। वहीं अखिलेश यादव ने खराब कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे, दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूँ, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है?
आप वर्स्ट स्टेटों में खड़े हैं और ह्यूमन राइट का सबसे ज्यादा नोटिसेस अगर किसी को मिली हो तो प्रदेश सरकार को मिली है। असली लॉ एंड ऑर्डर होता तो डायल 100 को बेहतर करते, केवल बाबा मुखर्जी ने किया, डायल 100 को डायल 112 कर दिया। यूपी चुनाव से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी जंग छिड़ गई है। अखिलेश यादव ने खराब काम बताया और बीजेपी बोली वक्त से पहले तैयार था शानदार एक्सप्रेसवे। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन थे उनको कम किया, अपने जो खास लोग हैं ठेकेदार उनको एडजस्ट किया और आप लोगों के माध्यम से हम लोगों पे आरोप ये लगवाया कि महंगा बना रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। वह गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर भारत के आन मान और शान के प्रतीक, भारत की एकता अखंडता को, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कारण रहा हो। अमित शाह की चुनावी बिसात हिंदुओं के साथ भेदभाव के इर्द गिर्द घूमती रही। मुगलों से लेकर कांग्रेस एसपी और बीएसपी के शासन को एक ही रंग में रंग दिया। मुगलों का शासन गया तब से जब तक 2017 में भाजपा की सरकार बनी, ये एहसास नहीं हुआ कि बाबा विश्वनाथ भगवान श्री कृष्ण और अयोध्या में रामलला की भूमि है। ये एहसास होना तब शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार। अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा गांधी पर तो गृह मंत्री ने सीधा हमला बोला। अखिलेश से विदेश में बिताए दिन का हिसाब मांगा तो 5 साल तक घरों में बैठने के बाद अब नए कपड़े सिलाकर निकलने पर तंज कसा। बात निकली तो जात और चुनावी मेंढक तक भी गई। 5 साल तक जो लोग अपना घर पकड़ कर बैठ गए थे वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। भाई एक हिसाब जरूर आप हमारा भी हिसाब मांग सकते हो। योगी जी है, योगी जी से मांगिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मांगिए, हमारे उप मुख्यमंत्री से, जो हिसाब मांगना है मांगिए, मगर मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे, इसका हिसाब दे दीजिए। मित्रों ये लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए और ज्यादा से ज्यादा सोच बहुत बड़ी हो गई तो अपनी जाति के लिए किया है। यूपी के चुनावी घमासान में मुद्दों का साजो सामान अपने अपने एजेंडे के हिसाब से तैयार है आज तक ब्यूरो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुप्रिया शिंदे जी, मैं आपके साथ आज शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि मुगलों के शासन से लेकर कांग्रेस एसपी बीएसपी सबके शासन पर उन्होंने कहा कि लगा ही नहीं कि उत्तर प्रदेश प्रभु राम कृष्ण और शिव की धरती है। मुझे ऐसा लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह थोड़ा बहक गए और बहक कर वो कई ऐसी बातें बोल गए जो गृह मंत्री को शोभा नहीं देता है, क्योंकि झूठ बोलना तो संवैधानिक पद पे बैठे किसी व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। 2-4 चीजें बड़ी अजीब थी और उसके बारे में मैं जरूर बोलूंगी। उनकी एक तस्वीर आई है जिसमें मंच में स्वतंत्र देव सिंह और उनके साथ अजय मिश्र टेनी खड़े हैं, जो कि लखीमपुर के नरसंहार के मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा के पिता हैं। तो ऐसे होगा न्याय उत्तर प्रदेश में जब होम मिनिस्टर के साथ अजय मिश्र टेनी खुद मौजूद रहेंगे, जिनको अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया। नरसंहार की तो बात दूसरी है और उसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे। ललितपुर में किसानों की मौत हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनको खाद नहीं मिल पा रही है, घंटों दिनों लाइनों में खड़े रह रहे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, लखीमपुर की कोई चर्चा नहीं करेंगे। आगे बोलते बोलते वो बोल गए कि 12 बजे रात को भी लड़कियां गहना लाद कर स्कूटी से निकल सकती हैं। अरे प्रभु किस प्रदेश की बात कर रहे हैं आप, ये उत्तर प्रदेश है जहां पर आपकी सरकार की नाक के नीचे हाथरस हुआ, जहां उन्नाव हुआ, जहां हरदोई हुआ, जहां शाहजहांपुर हुआ। और जानते हैं कौन था इनके पीछे, आपके एमएलए, आपके नेता। क्या कहेंगे आप बाहुबलियों की बात कर रहे थे, किन बाहुबलियों की, सेंगर की या चिन्मयानंद जी की,
जो एक दोषी पाए गए हैं। एक सेकंड आपको टोक रही हूं मैं, एक सेकंड। आर्यन खान की रिहाई को लेकर मामला चल रहा है, जूही चावला क्या कह रही है सुनाते हैं। खान परिवार आपको बता दें, आज जानकारी आई थी कि आर्यन खान की रिहाई में आगे पीछे कुछ हो सकता है, लेकिन फिर जेल अथॉरिटीज ने यह साफ किया कि आर्यन खान की रिहाई आज नहीं हो पाएगी। बहरहाल जो बेल बॉन्ड है उनकी तरफ से वो जूही चावला जो कि बहुत करीबी दोस्त है शाहरुख खान की, उन्होंने भरी है। एक बार फिर से वापस बहस का रुख करते हैं। सुप्रिया जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगी अंजना जी अंत में कि यहां पर गृह मंत्री जी ने बोला उनका खून खौलता था। क्या उनका खून खौला जब हाथरस में एक लड़की के साथ रेप हुआ? क्या उनका खून खौला जब लखीमपुर में नरसंहार हुआ? क्या उनका खून खौला जब खाद की लाइन में खड़े हुए दो किसानों की मौत हो गई और दो ने आत्महत्या कर ली ललितपुर में, जहां पर आज प्रियंका जी गई थी? क्या उनका खून खौला था जब उन्नाव में उनके एमएलए ने ऐसा दुष्कर्म किया था लड़की के साथ? ये जबानी जमा खर्च करने की बात खत्म होनी चाहिए। और जिसको आप लोग चाणक्य नीति कहते हैं, ये भीरू व्यक्ति के खोखले दावे हैं, ये मैं आपके शो पर कहना चाहती हूँ। जबानी जमा खर्च के साथ खड़े रहना पाप है, अनैतिक है और इसका जवाब मिलना चाहिए। जबानी जमा खर्च और अनैतिक बता रही है वो, जवाब दीजिए गौरव जी। देखिए सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं अंजना जी आपको कि जो सबसे कमजोर खिलाड़ी होता है, जो ना 3 में हो ना 13 में हो, उत्तर प्रदेश पे चर्चा होती है और शुरुआत वही करते हैं, अच्छा भी लगता है हमें। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट बताऊं, 7 प्रतिज्ञाओं की बात करते हैं ये, 7 तो इनकी सीटें नहीं आने वाली हैं उत्तर प्रदेश में। आज गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जिस तरह से वहां पे सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर दी, मैं डंके की चोट पे आपके कार्यक्रम में कहता हूं कि 300 का आंकड़ा पार भारतीय जनता पार्टी पुनः करेगी और फिर से हम सरकार बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बताइए, प्रियंका वाड्रा गांधी अगर इनका चेहरा है जैसा इनके वरिष्ठ नेता कहते हैं, एक बार उनको भी चुनाव लड़वा ही दें। ऐसा उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी जी तो 2 साल से रायबरेली आए नहीं है। प्रियंका वाड्रा गांधी की जमानत जब्त हो जाएगी उसी तरह से जैसे लोकसभा चुनाव में उनके प्रवक्ताओं की हुई थी। तीसरी बात, आज ये लोग बात करते हैं न्याय की। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने बड़ा बिंदु उठाया है, मैं पूछना चाहूंगा, जगदीश टाइटलर जो सिखों का नरसंहार हुआ उसको दिल्ली प्रदेश कमेटी में सोनिया गांधी जी ने स्थान दिया है, अब होगा न्याय, याद है ना? वो एक गुब्बारा उड़ाने की कोशिश सबने करी थी, अब होगा न्याय 2019 में। और उस गुब्बारे में छेद थे भ्रष्टाचार के, उस गुब्बारे में छेद थे परिवारवाद के और तुष्टीकरण के, वो गुब्बारा कभी उड़ा ही नहीं और न्याय कर दिया जनता ने भारत की, कांग्रेस को उसकी जगह दिखा दी। आज एक बात और मैं बता दूं, इन्होंने कहा महिलाओं की बात करी, बिल्कुल सच बात है, कानून व्यवस्था आज मजबूत हुई है। मुख्तार अंसारी जैसे जो कुख्यात अपराधी थे जेल में है, अतीक अहमद जेल में है, और सबसे ज्यादा अगर बलात्कार के मामले हैं अंजना जी, एनसीआरबी डेटा 2019 देखिए, 5,997 राजस्थान से आते हैं। प्रियंका वाड्रा गांधी पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आई हैं, उनका स्वागत है, लेकिन इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है ये उत्तर प्रदेश की जनता इनको जल्दी बता दी। ठीक है, मैं प्रियंका जी पर जवाब सुप्रिया जी लूंगी, थोड़ा सा एक बार सारे लोग बोल रहे हैं और मैं लूंगी आपसे जवाब। प्रियंका गांधी पर उन्होंने सीधा हमला किया। अनुराग जी आज पूछ रहे थे गृह मंत्री कितने दिन विदेश में बिताए, और ये कोरोना के टाइम पर बाढ़ के वक्त पर जो घर में थे वो नए कपड़े पहनकर अब आए हैं पॉलिटिक्स करने चुनाव से पहले, ये उनका आरोप है। अनुराग जी तो आप मुझे बोलने दीजिएगा कि उनके बहुत सारे आरोप है, सभी का जवाब दे दूंगा मैं। पहली बात तो दरअसल में सत्ता के अंधे जो लोग होते हैं उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, 3 के आगे 2 जीरो की जगह लगाते हैं, बल्कि 3 के आगे 2 जीरो हैं, 3 के बाद नहीं, इनकी 3 ही सीट आनी है इस जिसको ये 300 पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे थे अमित शाह जी कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर में मुगल शासन आया है, जहां पे किसी भी वक्त किसी को रौन दिया जाता है, कोई रियायत नहीं है। और वही आरोपी मंत्री जिसका बेटा आरोपी है, वही मंत्री जिसके धमकाने पे सारी चीजें हुई है, जिसको हटा देना चाहिए, चूंकि मुगल शासन है
भाई वो मंत्री मंच पे सीना ताने खड़ा है, गृह राज्य मंत्री, देखो हम कितने बड़े गुंडे मंच पे खड़े हैं देश के गृह मंत्री के साथ कि हम किसी को रोन देंगे मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। ये मुगल शासन है कि इनकी ही राजपाल पूर्व राजपाल रही बेबी मौर्य जी क्या कहती है कि 5 बजे के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर में थाने में लड़कियां ना जाए, जाए तो अपने परिवार वालों के साथ जाए, नहीं तो वो भी खतरे में। सोचिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पूर्व राज्यपाल बेबी मौर्य जी कह रही है बात। ये हालत उत्तर प्रदेश के अंदर में है कि हथरस की बेटी को जिसको उत्तर प्रदेश की बेटी को आपने पेट्रोल डाल के रात के अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार कर दिया, ये मुगल शासन नहीं तो क्या है कि आप किसी को कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में मार डालेंगे, पुलिस की कस्टडी में लोगों को मार डालेंगे और उससे बचोगे तो आपके होटल में घुस के पुलिस वाले मार डालेंगे, ये शासन नहीं तो क्या है? यहाँ पे मुगल शासन चल रहा उत्तर प्रदेश के अंदर में, और इतना सीना ठोक के बार बार ये कहते हैं अपराधी तो इनके पार्टी में ही मुख्यमंत्री अपने ऊपर से अपराध हटाते हैं, आपराधिक मुकदमे, डिप्टी सीएम अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटाते हैं, मंत्री अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटाते हैं, तो अपराध तो आपके साथ खड़े हैं मंच पे। कैराना वाला पलायन पे क्या कहना है? एक बार कैराना वाला पलायन और राम मंदिर के लिए चंदा ना देना, ये दोनों भी बता दीजिए। बोल रहा हूँ उनको तो आए बाएं साएं कुछ ही बोलना है, जय शाह के बारे में नहीं बोलेंगे, कौन सा खेल खेलते हैं भैया जो सचिव बन गए क्रिकेट के, कौन सा खेल खेलते हैं? नहीं तो एक बार हमारा मैच करवा देना क्रिकेट में, देख लेंगे कितना खेलते हैं। वो जैसा सचिव बन गए कौन सा खेल है भैया, ये भी बता देते कि आप कौन से खेल में माहिर हैं। दूसरा, जहां तक आप बात करें तो बाहुबलियों के 10 बाहुबलियों के नाम बताइए, तो आप करते नहीं है, आनी आप पूछ दबा के बैठ जाते हो। जहां तक मंदिर की बात है, आज हमारा सुप्रीम कोर्ट जिसको हम सभी सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला मंदिर बनेगा तो बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, इनका क्या उसमें बाबा लूटने चले आते हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में डीजल पेट्रोल इतनी महंगी है, पूरे देश के अंदर में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उसके बारे में एक बार गृह मंत्री नहीं बोलते। गृह मंत्री ये चंदा वाली बात सही है, लेकिन क्या भदौरिया जी उत्तर प्रदेश नंबर नहीं बोलते भदौरिया जी? भैया महंगाई इतनी अछूत होगी क्या? भदौरिया जी करेंगे, यहाँ पे सरसों का तेल 200 पार, लेकिन मुख्यमंत्री चुप। भदौरिया जी, ये चंदा वाला आरोप सही है क्या? पेट्रोल की कीमत कितनी हो गई है सोचिए आप, भदौरिया जी पेट्रोल की कीमत कितनी है यही चिल्लाते थे ना आज। भदौरिया जी अपने कार्यकाल की बात नहीं करते, 17 के बाद भदौरिया जी इन्होंने विकास का क्या काम किया? समाजवादियों के विकास का काम गिना, समाजवादियों के विकास का काम गिना के अपना काम बताना चाहते हैं। तो मैं तो अमित शाह जी से यही पूछना चाहता हूँ, अपना कोई काम नहीं है, चंदे वाली बात सही है क्या? हॉस्पिटल भी हमारे, जहाँ तक कोरोना काल की बात है, यही समाजवादी थे जो एक आवाज नहीं जा रही। चलिए जल्दी से धर्मवीर जी बोले, उसके बाद आ रही हूँ बारी बारी से। चंदे वाली बात अगर सुनाई दे रही हो भदौरिया जी, एक्सीडेंट हो जाता था, समाजवादी सरकार में पूछना चाहता हूँ, मुगलों का शासन चला क्या बीजेपी के पहले? कहा है अमित शाह जी, अंजना जी, अमित शाह जी को ये समझा दीजिए कि ये जो किसान और जाट बैठे हैं ना, ये मुगलों से कभी हार नहीं मानी, और ये बीजेपी के लोग अगर ये सोचते हो कि काले कानूनों को लागू कर देंगे तो मैं जाट कम्युनिटी से आता हूँ, किसान हूँ, किसान का बालक हूँ, तो इनको ये समझा दीजिए कि हम मुगलों से नहीं डरे, हम अंग्रेजों से भी नहीं डरे, और हम इन मनुवादियों से और जो काले कानून थोप रहे हैं उनसे भी नहीं डरेंगे। और जैन साहब कह रहे थे कि उनका खून खोल गया हिंदुओं को लेकर के, भाई जैनों का भी खून खोल जाता है, ये तो हमने पहली बार सुना। और अंजना जी, आज मैं सुबह लखनऊ में था तो मैं सिग्नल पर मेरी गाड़ी खड़ी थी तो वहां से चू चू करती हुई 500 अपराधियों की गाड़ी, आज लखनऊ में 500 अपराधी खुलेआम घूम रहे थे, 500 अपराधी। दरोगा जी से मैंने कहा भाई ये कौन लोग हैं? बोले साहब ये सब बीजेपी के अपराधी हैं, आप साइड हो जाइए नहीं तो आपको कुचल देंगे। मैंने कहा बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं, कानून को मानता हूं, पीछे नहीं हटूंगा, और इन अपराधियों को समझा दो कि कानून का राज उत्तर प्रदेश में आने वाला है, ये कानून का ना मानने वाले लोग थर थर कांपेंगे। 2007 से 2012 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो लॉ एंड ऑर्डर था उसको पुलिस भी याद कर रही है, उसको अपराधी भी याद कर रहे हैं, तो और ये जो अपराधियों की प्रतियोगिता ये समाजवादी पार्टी कैराना को लेकर के, मुगलों को लेकर के जो जैन साहब ने कहा है, अमित शाह जैन साहब ने जो कहा है, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अब यहाँ मुगलों का शासन नहीं है, यहाँ भारत के कानून का शासन है, कानून के द्वारा कानून का राज उत्तर प्रदेश में 2022 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन में लागू होने वाला है। और आज उत्तर प्रदेश में अमित शाह जी थे, अंजना जी
नहीं, वो कह रहे थे 23-23 रहते थे बाहुबली हर जिले में, दूरबीन से भी नहीं दिखता है। 23 नहीं, अमित शाह जी ने कहा 23 बाहुबली अमित शाह जी के मंच पर मौजूद थे। स्वयं योगी आदित्यनाथ के ऊपर संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज है, डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य के संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज है, और जो लखीमपुर खीरी का 120 राज्य मंत्री उसके ऊपर संगीन आपराधिक, वो कोर्ट से हिस्ट्री शीटर है। और अमित शाह जी के बारे में, जैन साहब जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा कि कोर्ट ने उनको क्या उपाधि दी थी। तो ये अपने चार चरित्र चेहरे को देखे पहले और फिर जनता के बीच में जाए। गौरव जी जवाब दीजिए। अनुराग जी आप सब सुन रहे थे, बस चंदे की बात पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, बीच की बात सब सुन रहे हैं। चंदे की बात टोंटी चोर है, भगवान के नाम पे चंदा इनके मार टोंटी चोर है, वो दक्षिणा देनी है। तो बीजेपी है जो राम के नाम का चंदा खा गई, जो आरएसएस बीजेपी के नाम का चंदा खा गई, राम के नाम का दक्षिणा देंगे। चंदा चोर तो गौरव जी जवाब दीजिए, चंदा नहीं। गौरव जी जवाब दीजिए, ठीक है, आऊंगी बारी बारी से। गौरव जी जवाब दीजिए सबकी बातों का। देखिए अंजना जी, आपने तीन चार बार बिल्कुल स्पष्ट एक प्रश्न किया। आपने कहा राम मंदिर के लिए चंदा, चंदा वो पार्टी देगी जो सरकारी बंगले को खाली करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री 200 रुपए की छोटी चुरा ले। चंदा चोर आप नहीं है, चंदा खाने वाला आप है। इस देश में राम को बेचने वाले आप है, राम की ईंटों को बेचने वाले आप है, राम की भूमि को बेचने वाले आप है, राम के नाम को बेचने वाले आप है। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? स्टूडियो का भी ऑडियो कम कर दीजिए। गौरव जी धन्यवाद। तो देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, जो पूर्व मुख्यमंत्री 200 रुपए की इस चोटी चुरा ले सरकारी बंगले से, वो क्या चंदा देगा? और आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे खुद अखिलेश यादव थे और उनकी गाड़ी के नीचे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, वो मान रहे थे है, और उसके बाद ये नहीं बता रहे थे कि वो क्यों नहीं बनवा पाए। मेरे हाथ में एक तस्वीर है, देखिए ये गजनी है अखिलेश यादव जी। ये तस्वीर पता है क्या है? जब एक्सप्रेसवे में घोटाला हुआ जो आगरा से लखनऊ तक बनवाया समाजवादी पार्टी ने, उसका अभी उद्घाटन एक महीना नहीं हुआ था और ये गाड़ी जो है देखिए कितना 20 फीट नीचे धस गई थी। ये क्यों हुआ था आपको मालूम है? क्योंकि ये लोग अपने ही जेबें भर रहे थे, विकास थोड़ी ना होता था, केवल भ्रष्टाचार। इसी तस्वीर के साथ गौरव भाटिया जी, यहीं से चर्चा शुरू करेंगे, ब्रेक के लिए रुकना पड़ा। अच्छा, इसी तस्वीर के साथ शुरू कीजिएगा, फिर अनुराग भदौरिया उसका जवाब देंगे, और प्रियंका वाड्रा खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ती हैं ये सवाल भी पूछा गया है, इसका जवाब सुप्रिया श्री ने देंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे, देखते रहिए आज तक। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर दहाड़ा है और जो बिसात बिछी है वहां पर कैराना से लेकर राम मंदिर तक की, वो सब अब आपके सामने है। लेकिन गौरव भाटिया जी, आप एक्सप्रेसवे की तस्वीर दिखाकर सवाल पूछ रहे थे अनुराग जी से, सवाल संक्षिप्त में पूरा कीजिए फिर जवाब लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच अंजना जी। देखिए मैंने तस्वीर इसलिए दिखाई कि ये लोग भूल जाते हैं कि इनके समय में क्या हुआ। एक दूसरा, ये देखिए एक बड़ी ही प्रतिष्ठित मैगजीन की तस्वीर है, वर्स्ट सीएम इन उत्तर प्रदेश कौन? अखिलेश यादव। तीसरी बात, आए पाए टाए फाए फी फे, ये क्या डिबेट होती है भाई? एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करी ना अखिलेश यादव ने, मैं देता हूं ये आंकड़े हैं, मैं जवाब दूंगा। जब इनकी सरकार थी, हत्या के मामले एनसीआरबी के हिसाब से 2014 में 5150, 2013 में 5047, और इसमें कमी आई 50% तक की 2019 में 3806 और 2020 में 3780, ये फर्क है। अंजना जी एनसीआरबी की बात कर दे, आए टाए पाए काए पाए फाए, ये क्या डिबेट है? अरे अखिलेश जी को पढ़ाइए एनसीआरबी के बारे में, बताइए। मैं बलात्कार के भी आंकड़े दे सकता हूँ, बलात्कार की नहीं दे रहा हूँ, सुनिए आप इसका जवाब दीजिए। मैं बता भैया, मैं ठीक है, बारी बारी से, बारी बारी से। भैया उसका कारण क्या है? खुशी दुबे की क्या गलती है जो तन्हाई की जेलों में आप बंद कर रखे हुई है? तीन विकेट है, तीनों उखाड़ने पड़ेंगे ना, पड़ेंगे। अच्छा देखिए अंजना जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये गजनी कौन है आपने देख लिया, भूलने की बीमारी किसको आपने देख लिया। ये मैं नहीं बोलूंगा कि दल बदलने से आदमी जयचंद हो जाता, मेरी भाषा इतनी खराब नहीं है। मैं ये भी नहीं अंजना बोलूंगा, अंजना जी बोलूंगा कि कोई आदमी
बहुत सहिष्णुता है, जहाँ फायदा होता है मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा ये वो आदमी है जिसको यही नहीं पता है जो बोल क्या रहा है, बोलते बोलते भूल जाता है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। नहीं दिया जाता है, बोलूंगा कोई आदमी को तुतराता भी नहीं बोलूंगा, कि तुतराने वाले क्या आदमी नहीं बोलूंगा भाई, नहीं है। मैं अच्छी बात करना चाहता हूँ, परिवार में क्या देखिए मतलब बताओ, क्या मतलब जनता पार्टी के प्रवक्ता मानसिक संतुलन खो बैठे, मतलब क्या इनको यही पता है जिस समय की तस्वीर दिखाने की बात कर रहे हैं उस समय की तस्वीर लेके आते हैं। ये पता है कि जो आरोपी थे उस समय इसी पार्टी में थे, इसी पार्टी का आनंद ले रहे थे, इसी पार्टी का लड़ा करके मुझे बता रहे थे, इसी पार्टी को एक सेकंड एक साथ मत बोलिए प्लीज आप लोगों से मेरा, लेकिन क्या क्या नहीं बोलना है अनुराग भदौरिया जी, इस लिस्ट के लिए नहीं बैठे हम यहाँ पे। सुप्रिया जी वो कह रहे हैं कि खुद क्यों नहीं प्रियंका जी चुनाव मैदान में उतरती अगर इतनी कॉन्फिडेंट। उसका जवाब मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बात का उल्लेख जरूर करूंगी। पहले भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने कहा ऊर्जा भर दी, ऊर्जा तो बहुत भरी उन्होंने, पता है किसके अंदर? बगल में खड़े अजय मिश्र टेनी के अंदर, जिसकी नैतिकता नहीं, जगदीश टाइटलर को उत्तर दे दीजिए, हिम्मत दे दो। उन्होंने कहा दूरबीन से, सिक्कों से इतनी नफरत क्यों है आपको? दूरबीन से ढूंढने की क्या जरूरत है? आपके बगल में खड़ा है जो धमकी दे रहा था, मैं तो आपके बीच में नहीं बोली थी, इतनी शालीनता तो रखी है आप, बात पूरी कर लीजिए, बोलते रहे मैं आपके बीच में नहीं बोली, लेकिन चुप कराइए, टेनी साहब का जिक्र कर रहे हैं तो वो टाइटलर साहब का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के फिर दागदार लोगों को लेकर घूमने का सवाल खड़ा होता है। टाइटलर खुद आरोपी है, जवाब दे रहे हैं, जिस मंत्री की बात कर रहे हैं वो आरोपी नहीं है, ये फर्क है दोनों। आपको लगता है 20 बीघे आरोपी है 120 बीघे आरोपी है मिश्रा जी, गहरा मंत्री गाड़ी से पूछना है, गाड़ी के नाम पर मंत्री के साथ स्टेज शेयर करना सही है तो मुझे नैतिकता पर सवाल उठाने की जरूरत पड़ेगी। किसान को कुचला जा रहा है, कहीं पर किसान की हत्या हो रही है, बिना खाद के ये कौन सा उत्तर प्रदेश है? निकालिए और इस्तीफा दिलवाइए, चलिए जल्दी जल्दी। पूर्वांचल में मनीष गुप्ता की हत्या पुलिस ने करी, सोनिया गांधी बेल पे है, मनीष गुप्ता की हत्या पुलिस ने करी, के पिताजी के खिलाफ एफआईआर है, इस्तीफा दिलवाइए ना, मारा विवेक तिवारी की दिनदहाड़े हत्या लखनऊ में पुलिस ने करी, कोई लॉजिक नहीं है, कानून व्यवस्था है, उत्तर दे दो, बकवास करोगे यहाँ पर आकर? अरे आपकी खुद की जमानत जब्त होती है, बकवास करता है राहुल गांधी, सुन लीजिए, सबसे बड़ा बकवास करने वाला कोई नेता है एक साथ नहीं, एक साथ भारत में वो राहुल गांधी है, केवल एक नेता बकवास करता है राहुल गांधी, सुन लीजिए, अगर अगर हैसियत है तो उत्तर दे दीजिए, जो प्रश्न उठाए 2 साल से सोनिया गांधी की उत्तर प्रदेश क्यों नहीं गई, सोनिया गांधी जी का कानपुर लगाएंगे उत्तर प्रदेश में, क्या सोनिया गांधी जा पाएगी अध्यक्षा है? अरे छोड़िए, मुझे उंगली हिलाने से कुछ नहीं होगा, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं आप बकवास करने की आवाज की भाषा तक दोनों ही पहुंच गए हैं, मुझे लगता है कि मर्यादा का जो स्तर है वो दोनों का गिर रहा है, इसलिए आप दोनों से मैं निवेदन कर रही हूँ आप अपनी अपने तर्क को रखिए, वो इतनी ताकतवर है कि आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उनमें दम है तो, प्लीज तर्क पर वापस आइए, दलील रखिए सामने, एक दूसरे पर मत टारगेट कीजिए। सुप्रिया जी बात पूरी कीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अपने टर्न में बोले, मैं तो इनके टर्न में नहीं बोली थी, मेरा अमित शाह जी से सवाल है, आप देश के गृह मंत्री है, देश की आंतरिक सुरक्षा आपके हाथ में है, जम्मू कश्मीर लगा हुआ है, त्रिपुरा जल रहा है, असम और मिजोरम में गोलियां चल रही हैं, आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? आप गृह मंत्री बताइए मुझे, यहाँ पर आकर क्लीन चिट देंगे? मनीष गुप्ता की हत्या पता है गोरखपुर में, आपको विवेक तिवारी की हत्या पता है लखनऊ में, आपको वाल्मीकि समाज के लड़के की आगरा में पुलिस के द्वारा हत्या पता है, आप यहाँ पे आके सर्टिफिकेट बांटिए। ठीक है, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब ये लोग राज्य में महिलाओं के खिलाफ अराजकता और महिलाओं के खिलाफ, चलिए चुप कराइए ना अंजना जी, तभी तो उत्तर दे पाएंगे। गौरव जी जवाब दे, मत निकलो, बेकार की बात करते हैं। थैंक यू।
अब ये लगातार देखिए पहली बात तो मैं क्यों ना बोलूं जरा मुझे ये समझाइए किसी भी हो गया ये तो लगातार किसी भी चर्चा में हो गया सुप्रिया जी हो गया मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना किसी भी चर्चा में बकवास शब्द का इस्तेमाल करना और बार बार करना ये दिखाता है कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में प्रवक्ताओं को इसी तरह की भाषा पढ़ाई जाती है। सुप्रिया श्रीनेत को बार बार कहा जाता है कांग्रेस हेडक्वार्टर में कि बकवास मत करो तभी आके आज तक चैनल पे ये बोलते हैं। आप सुनिए मेरा पहला प्रश्न था जगदीश टाइटलर पे उत्तर मिला नहीं मिला। दूसरा प्रश्न था सोनिया गांधी जी दो साल से अब अंजना जी आप देखिए बोल रही है ना सुप्रिया जी मैंने तो बकवास शब्द नहीं बोला मैंने तो बकवास शब्द नहीं बोला अंजना जी शालीनता से बात किया करिए शालीनता से डिबेट करिएगा। अरे छोड़िए आप लोगों से शालीनता नहीं सीखनी है मालूम है भारत मानता है कि सबसे ज्यादा बदतमीज कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है गद्दारों की भ्रष्टाचारियों की। अंजना जी चुप कर लीजिए प्लीज जब आप बताएंगे तब मैं बोलूं। गौरव जी जवाब दीजिए पहला सवाल था जगदीश टाइटलर को क्यों सदस्य बनाया दिल्ली प्रदेश कमेटी का इन्होंने नहीं बताया। दूसरा हमने पूछा प्रियंका वाड्रा गांधी की क्या राजनीतिक हैसियत है कि वो चुनाव लड़े उनकी जमानत जब्त हो जाएगी इन्होंने उत्तर दे दिया। तीसरा मैंने पूछा सोनिया गांधी क्या उनका कार्डबोर्ड लगाया जाएगा प्रशासन में। अरे भैया आपकी खुद की जमानत जब्त हुई है आपको मालूम है आपको आपको चिताया नहीं उत्तर सुनिए उत्तर प्रदेश के चुनाव अंजना जी प्लीज अंजना जी ये क्या तरीका आप बताइए बोलिए। और तीसरा प्रश्न क्या था कि सोनिया गांधी जी किसी में हिम्मत है ये पूछने की रायबरेली से सांसद है एक बार भी उत्तर प्रदेश कोविड के संकट में गई है क्या केवल अपने परिवार को बचा रही है। और मैं एक बात और आपको सामने आंकड़ा रख दूं भारतीय जनता पार्टी को गर्व है 86 लाख हमारे कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में अकेले हैं इनको वोट 54 लाख पड़ा था पिछले चुनाव में 54 लाख वोट पड़ा था हमारे 86 लाख कार्यकर्ता है जो निष्ठापूर्ण तरीके से काम कर रहे उत्तर प्रदेश में और इसीलिए इनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। सपा बसपा और कांग्रेस तीनों मिलके 100 सीटें नहीं ला पाएंगे चुनाव में आप देख लीजिएगा। अजय मिश्र टेनी पर सवाल पर आपका जवाब है टाइटलर ना मैं बताता हूँ मैं उत्तर देता हूँ अगर आप मुझे 20 सेकंड दे मैं उत्तर दे दूंगा। अजय मिश्र टेनी पर जब सवाल आपसे पूछा जाता है तो आपका जवाब है टाइटलर ना मेरा ये जवाब नहीं था मैं आपसे एक बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी की मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि वो सवाल पूछे लेकिन आपने पूछा मैं उत्तर दे देता हूं। कोई भी मंत्री हो मान लीजिए अगर उसका पुत्र आरोपी है वो जेल की सलाखों के पीछे है ये है कानून का राज लेकिन उसकी वजह से मंत्री के लिए आप कहें कि वो भी दोषी है ये हमारे देश का संविधान नहीं है। अंजलि गौरव जी ये जो 150 संगीन अपराधों में विधायक लखनऊ को रौंद रहे हैं और 40% से ज्यादा आपके सांसद दागी सांसद हैं जिन पर अपराध मुकदमे दर्ज चल रहे हैं आप किसमें से अपराधियों को खात्मे की बात करते हैं और जो आज अमित शाह जी लखनऊ में बोल रहे थे वो जीएसटी पर नहीं बोलेंगे वो नोटबंदी पर नहीं बोलेंगे वो किसानों की आय को दुगना करने पर नहीं बोलेंगे वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने पर नहीं बोलेंगे 80 रुपए किलो टमाटर क्यों बिक रहा है इस पर नहीं बोलेंगे डीजल कितना महंगा है इस पर नहीं बोलेंगे वो बोलेंगे मुगलों पर बोलेंगे वो बोलेंगे तो जो है कैराना पर बोलेंगे यही आपके विकास का मॉडल है कैराना और आप दोबारा कैराना कहना चाहते हो आप राम के ऊपर बोलेंगे ये राम कोई पेटेंट है आपका मुझसे बड़ा हिंदू कोई नहीं हो सकता आप भी नहीं हो सकते और जैन साहब की तो बात छोड़ दीजिए आप मुझे तो ये जो बीजेपी का जो अपराधियों को संगठित अपराधियों को पालने का जो चिंचला है छोड़ दीजिए ये प्रदेश की जनता आज रोजगार मांग रही है सुरक्षा मांग रही है ये खुशी दुबा अपनी रिहाई मांग रही है ये 500 ब्राह्मणों की जो हत्या आपने उत्तर प्रदेश में की है उसके परिवार के लोग न्याय मांग रहे हैं तो ये जो आज प्रदेश में जो हाहाकार मचा हुआ है ये जो जंगल राज गुंडा राज ये जो रावण राज चल रहा है इसका खात्मा 2000 उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने लेकिन हिंदुत्व की बिसात भी साथ साथ बिछ रही है तमाम चुनावी मैदान में अपने अपने एजेंडे के साथ उतर रहे हैं। इसी पर आप देख रहे थे आज हल्ला बोल देखते रहिए आज तक। फिर एक बार 300 के पार गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से ललकार हुंकार भरी है लखनऊ में आज वो पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं लेकिन बिसात हिंदुत्व की भी बिछ रही है राम मंदिर से लेकर कैराना और पलायन पर इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल देखते रहिए आज तक।